Hello students, welcome to the e-learning class of the MIBN. Today, in class 2, we are going to study our next chapter, that is domestic animals. ठीक है? प्यारे बच्चों, इसके पहले के चैप्टर में प्रीवियस चैप्टर में हम वाइल्ड एनिमल के बारे में जाने जो वाइल्ड फॉरेस्ट में रहते हैं उनको वाइल्ड एनिमल कहते हैं. कौन कौन से एनिमल होते हैं वाइल्ड एनिमल? कौन कौन से होते हैं? हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स, और उन्हीं के साथ स्कैवेंजर भी होते हैं. इनके बारे में हमने पढ़ा. ठीक है, हर्बीवोर्स कौन होते हैं? जो शाकाहारी होते हैं, साग सब्जियां खाते हैं. ठीक, जो प्लांट्स को ईट करते हैं, लीव्स को ईट करते हैं. कार्निवोर्स कौन से होते हैं? जो फ्लेश ऑफ अदर एनिमल ईट करते हैं. ठीक है, दूसरे एनिमल के फ्लेश को, मांस को ईट करते हैं. ठीक, उसके बाद ओमनिवोर्स कौन से एनिमल होते हैं? जो प्लांट्स भी ईट करते हैं और फ्लेश भी ईट करते हैं. ठीक, अब आता है स्कैवेंजर, वो कौन से होते हैं? जो मरे हुए जानवरों को, ठीक है, डेड एनिमल को ईट करते हैं, उनको स्कैवेंजर कहते हैं. ठीक, अब हम आज बात करेंगे डोमेस्टिक एनिमल के बारे में, घरेलू जानवरों के बारे में जो हमारे घरों में रहते हैं. आप लोग के आस पास आप लोग देखते होंगे काऊ, बफेलो, सी, गोर, ये सब जानवर रहते. ठीक है, ये सब जानवर आप लोग पाले रहते हैं, डॉग को पाले रहते हैं. ठीक है, तो जो भी हमारे घर में चाहे हमारे घर के पीछे या आगे की तरफ, ठीक है, जिसको चौपाल कहते हो, चौपाई कहते हो, ठीक है, जो गाय भैंस का तबेला होता है जिसमें हम जानवरों को पालते हैं, जो घर के अंदर पालते हैं उनको हम डोमेस्टिक एनिमल, घरेलू जानवर कहते हैं. और जो घर के अंदर हमारे साथ, हमारे बेड पे, हमारे रूम में हमारे साथ जो रहते हैं, ठीक है, हमारे साथ उठते बैठते खाते पीते हैं और हम उनको उनकी सफाई अच्छे से करते हैं, उनको पेट एनिमल कहा जाता है, उनको पालतू जानवर कहा जाता है. ठीक है, डोमेस्टिक एनिमल जो हमारे घर के आसपास हम जिनको पाल के रखते हैं. ठीक, पेट एनिमल जिनको हम अपने साथ हमेशा हमारे साथ रहते हैं, जैसे कैट हो गई, डॉग हो गया, इन सबको हम अपने बेड पे भी बिठाते हैं, लेकिन काऊ बफेलो को अपने बेड पे नहीं बिठाते. तो काऊ बफेलो डोमेस्टिक एनिमल है. डोमेस्टिक एनिमल कौन से होंगे? जो हमारे आसपास रहते हैं, ठीक है, जिनको हम पाल के रखते हैं उनको डोमेस्टिक एनिमल कहते हैं. आइए अब चैप्टर पे आते हैं. सम एनिमल्स आर वेरी यूजफुल टू अस, वी कीप देम ऑन आवर फार्म और इन द बैकयार्ड ऑफ आवर होम्स, वी कॉल देम डोमेस्टिक एनिमल्स. कुछ एनिमल जो होते हैं हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं, बहुत ही उपयोगी होते हैं, उनको या फिर हम अपने घर फार्म के पास, खेत के आसपास, ठीक है, या फिर अपने घरों में उनको पाल के रखते हैं, उनको हम कहते हैं डोमेस्टिक एनिमल. वी लव सम एनिमल्स सो मच दैट वी कीप देम इनसाइड आवर होम्स, दे आर कॉल्ड पेट्स. डॉग, कैट्स, रैबिट, फिश एंड पैरट्स आर सम कॉमन पेट्स, दे आर ए पार्ट ऑफ आवर फैमिली, वी शुड कीप देम क्लीन. अब हमने आपको बताया डोमेस्टिक एनिमल जो हमारे घर के पीछे या आगे, उनका अलग से एक घर बना देते हैं, उसमें पाल के रखते हैं, उनको डोमेस्टिक एनिमल कहते हैं. लेकिन कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा लव करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनको हम हमेशा अपने पास रखते हैं, ठीक है, उनको पेट एनिमल कहते हैं, जैसे कैट, डॉग, ठीक है, रैबिट, पैरट, इन सबको हम अपने घर के अंदर इनसाइड रखते हैं, अपने होम के इनसाइड रखते हैं, इनको हम पेट एनिमल कहते हैं. और जो जानवर को हम पाल के रखते हैं उनको अगर घर के बाहर भी रख रहे हैं, घर के बाहर रख रहे हैं, घर के पीछे रख रहे हैं, ठीक है, उनको डोमेस्टिक एनिमल कहते हैं. अब ये एनिमल को हम पालते क्यों हैं, इस बारे में हम बात करते हैं. तो एनिमल जो है हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं, उनको हम क्यों पालते हैं, उनको हम तीन कारणों से पालते हैं. पहला, एनिमल की वस्तु, एनिमल हमको फूड देते हैं, उनसे फूड हम लेते हैं इसलिए उनको पालते हैं. सेकंड है एनिमल आवर वर्क, और सेकंड हम एनिमल से अपना काम में मदद लेते हैं, ठीक है, इसलिए उनको पालते हैं. और थर्ड है एनिमल की बस यूजफुल थिंग्स, एनिमल हमको बहुत ही यूजफुल थिंग्स देती हैं इसलिए हम उनको पालते हैं. इन तीन कारणों से हम एनिमल को पालते हैं. कौन कौन से? पहला फूड देते हैं वो, दूसरा वो हमारी हेल्प करते हैं घर के कामों में या खेत के कामों में, और तीसरा वो हमको बहुत ही यूजफुल थिंग्स देते हैं. ठीक, अब आते हैं बुक पे. एनिमल गिव अस फूड,
cows, buffaloes and goats give us milk. Milk is very good for our health. We should drink milk every day. We make curd, butter, ghee, cream, cheese, etc. from milk. Milk is also used to make ice cream and sweets. Cow, buffalo, goat, ये सब जो है, इन ये सब हमारे domestic animal हैं, ठीक है? ये इन सब से हमको milk मिलता है, और milk हमारे health के लिए बहुत ही अच्छी होती है, ठीक है? बहुत ही useful होती है दूध, ठीक है? दूध हमेशा पीना चाहिए आप सभी, पर दे आपको एक glass जो है दूध जरूर पीजिए, सभी बच्चे, ठीक है? और उनके guardian भी, सभी लोग एक बार दूध जरूर पिया करिए। और मिल्क से ही हमें बटर, कर्ड, ठीक है, और क्रीम ये सब मिल जाते हैं, ठीक है हम। और मिल्क से बहुत सारी मिठाइयाँ भी बन जाती हैं, ठीक। Some people eat eggs of birds, like hens, ducks and geese. Eggs often are eaten the most. These birds are kept on poultry farms. Eggs are also used in some cakes, pastries, etc. Some people eat the meat of animals like the goats, chickens, etc. Such people are called non-vegetarians. They also eat water animals like fish, prawn, etc. We get honey from honeybees. They collect the nectar of flowers and make honey. Honey is very sweet, tasty and healthy. और कुछ लोग तो मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एग और मीट को भी फूड के रूप में लेते हैं, ठीक है। जो लोग मीट को लेते हैं उनको नॉन वेजिटेरियन कहते हैं, मांसाहारी कहते हैं, ठीक है। और एग्स एग्स जो है हमारे केक को बनाने में, पेस्ट्रीज को बनाने में एग्स की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। जो लोग बकरियों को, गोट्स को या और एनिमल के मीट्स को और साथ ही साथ वाटर बॉडीज जिनको मछलियों को, झींगा मछलियों, इन सबको ऐड करते हैं, उनको नॉन वेजिटेरियन कहते हैं, ठीक है। और हमें कैसे भोजन मिलता है, और हमें भोजन कैसे मिलता है डोमेस्टिक एनिमल से, तो मधुमक्खियाँ भी पाली जाती है, हनी बीज, ठीक है, मधुमक्खियाँ भी पाली जाती हैं, तो उनसे क्या होता है कि हनी मिलता है जो बहुत ही स्वीट टेस्टी होता है और बहुत ही ताकत देता है हमको, ठीक है, बहुत ही उपयोगी है, उससे भी हमको फूड मिलता है, ठीक। एनिमल हेल्प अस विद आवर वर्क। सम एनिमल्स हेल्प अस इन ग्रोइंग क्रॉप्स, ऑक्सन हेल्प अस इन प्लॉगिंग फील्ड, दे आल्सो हेल्प अस टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल्स। सम एनिमल्स आर यूज टू कैरी लोड, ऑक्सन, म्यूल्स, कैमल्स, डंकीज एक्सेट्रा कैरी लोड्स फॉर अस टू फॉर आर प्लेसेस। सम एनिमल्स डॉग्स, हॉर्सेस, बुलॉक्स एंड कैमल्स आर द मोस्ट कॉमनली यूज एनिमल फॉर ड्राइंग कार्ट्स। सम एनिमल्स आर यूज फॉर राइडिंग। All these animals that are used for heavy work are called beasts of burden. कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो हमारे फसल को उपजाने में, खेत की गुड़ाई करने में, जैसे बैल होते हैं, क्या होता है उनके बीच में हल लगा दिया जाता है और वो खेत को प्लग करते हुए जोतते हुए चले जाते हैं, ठीक है। तो हमारे फसल को उपजाने में भी एनिमल्स हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है, और हमारे सामान को कैरी करने में, एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने में, जैसे तांगा, ब्लॉक कार्ड, कैमल कार्ड, ये सब क्या होता है, एक जगह से हमको दूसरी जगह ट्रेवल करने में या कोई सामान को कैरी करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे भी एनिमल होते हैं जो हमें सवारी अपनी कराते हैं, जैसे हॉर्स हो गया, कैमल हो गया, इन सब पे, एलिफेंट हो गए, इन सब पे हम लोग बैठ के राइडिंग करते हैं, इन सब पे बैठने के बाद हम लोग ट्रैवल करते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये एनिमल हमारी हेल्प भी करते हैं हमारे काम में। अब आते हैं तीसरे टॉपिक, एनिमल्स गिव अस यूजफुल थिंग्स। अब एनिमल्स हमको कौन सी यूजफुल थिंग्स देते हैं उसके बारे में जानते हैं। फ्रॉम शीप वी गेट वूल। ए शीप्स बॉडी इज कवर्ड विद सॉफ्ट डेंस हेयर। वूल इज मेड फ्रॉम दिस हेयर
warm woolen cloths are made from wool. We also get wool from goats, rabbits and yaks. We make leather from the skin of dead animals like cows, buffaloes, horses, camels, snakes, etc. Leather is used to make shoes, belts, jackets, wallets, etc. जो भेड़ होती है, जो सीप होती है, उससे हमें वूल मिलता है। वूल का क्या काम है? वूल से वूलन क्लॉथ्स बनते हैं जो हमको विंटर सीजन में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, ये वूल हमें और भी कई एनिमल से मिलते हैं। कौन कौन से हैं? गोट्स, रैबिट्स, ठीक है, ऑक्स, इन सब से हमको ये वूल और भी मिलते हैं। सीप से तो मिलते ही मिलते हैं, इन सब से भी मिलते हैं। उसके बाद बहुत ही फेमस चीज है लेदर, जो एनिमल की स्किन होती है। जब एनिमल डेड हो जाते हैं तो उनकी स्किन को जो है काट के उसी से लेदर बनाया जाता है। लेदर का यूज हमें किस किस काम में किया जाता है? बेल्ट हम बनाते हैं, लेदर की जैकेट बनाते हैं, पर्स बनाते हैं, ठीक है, उन सब चीजें हमें उस लेदर से मिलती हैं। ठीक है, वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वर्म। सिल्क यूज फॉर मेकिंग मेनी टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स लाइक साड़ीज, कुर्ता एक्सेट्रा। Silk cloths are very soft, smooth and shiny, but they are expensive. The dung of some animals like cows and buffaloes is used to make manure. Manure is spread over or mixed with the soil in the field. Manure helps in growing crops. Dried dung is also used as food. और कौन कौन सी चीजें मिलते हैं? जो एनिमल होते हैं उनका गोबर, जो डंग होता है, वो बहुत ही यूजफुल होता है। उससे मैन्योर बनता है, उससे खाद बनती है। ठीक है, उस खाद को खेतों में छिड़काव कर देते हैं, उसके बाद हमारी क्रॉप बहुत ही ज्यादा ग्रोथ करती है। और जो ड्राइड, जो सूखी डंग होती है, जो सूखे गाय के गोबर होते हैं, वो फ्यूल का काम कैसे करते हैं? वो उपले बनाए जाते हैं। गाँव में आप लोग देखे होंगे कि गाय भैंस के गोबर के उपले बनाती हैं महिलाएं। ठीक है, तो वो ड्राई डंग है, वो उससे खाना पकाया जाता है, उससे आग जलाई जाती है। ठीक है, इसलिए इस तरीके से वो फ्यूल का भी काम करते हैं। ठीक, अब प्यारे बच्चों, अब हम लोग आते हैं रिवीजन पे। ये चैप्टर फिनिश होता है आपका। ठीक है, आप लोग भी डोमेस्टिक एनिमल का एक चार्ट बनाइएगा। ठीक, लिखिएगा ऊपर एक चार्ट पेपर पे डोमेस्टिक एनिमल लिखिएगा। उसके बाद आप जितने डोमेस्टिक एनिमल को जानते हैं उन सभी के नाम लिखिएगा। ठीक है, आते हैं रिवीजन करते हैं। डोमेस्टिक एनिमल किसको कहते हैं? जिनको हम घरों में पाल के रखते हैं उनको डोमेस्टिक एनिमल कहते हैं। ठीक है, और पेट एनिमल किसको कहते हैं? जो हमारे घर के अंदर रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं, जो हमारी फैमिली मेंबर जैसे होते हैं, उनको पेट एनिमल कहते हैं। ठीक है, अब डोमेस्टिक एनिमल कौन कौन से, डोमेस्टिक एनिमल का यूजेस कहाँ पे है? डोमेस्टिक एनिमल तीन तरीके से हाँ उनका हम यूज करते हैं। पहला है फूड, उनसे मिलता है आपको। दूसरा, वो हमारी हेल्प करते हैं काम में। तीसरा, उनसे यूजफुल थिंग्स मिलता है। तो फूड कैसे मिलता है? मिल्क, डोमेस्टिक एनिमल जो होते हैं जैसे काउ, बफेलोस, गोट्स, ये लोग हमको मिल्क देते हैं। उन मिल्क से हम घी, दही, मट्ठे, ये सब बनाते हैं। ठीक है, मिठाइयाँ भी बनाते हैं। उसके बाद पोल्ट्री फार्म भी, मुर्गी को हम पालते हैं, वो भी हमारा डोमेस्टिक एनिमल है। उससे हमें एग मिलते हैं, गोट और हेन से हमको मीट मिलते हैं। ठीक है, ये तो फूड हो गए। अब आते हैं हमारा वर्क, हमारे वर्क में कैसे वो हेल्प करते हैं एनिमल। आप लोग देखते होंगे कि बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी जिसको तांगा आप कहते हैं, और कैमल, ऊंट की सवारी करते हैं। ठीक है, ये लोग हमारे सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, और इनसे हम खेती भी करते हैं। ठीक है, बैलों से हम खेती भी करते हैं, खेत की जुताई करते हैं। ठीक है, और खेतों की सिंचाई भी करते हैं। राहट होता है, उसमें जानवर कुएं के तरफ एक रस्सी लगी रहती है, उससे वो चक्कर काटते हैं तो पानी निकलता है, उससे खेतों की सिंचाई होती है। ठीक है, और आप लोग देखे होंगे यहाँ पे जो है गन्ने की पिराई भी जानवरों से होती है। ठीक है, अब ये तो हमारे हमारे कामों में हेल्प करते हैं। ठीक है, डंकी हो गए, हॉर्स हो गए, ये सब हमारी हेल्प करते हैं। तीसरा आता है कि हमको कौन कौन सी यूजफुल थिंग्स देते हैं। तो पहला सिल्क देते हैं, वार्म देते हैं, ठीक है, वूल देते हैं। सिल्क
सिर्फ और एक कीड़ा होता है, ठीक है, वो हमको सिल्क देता है, रेशम देता है, ठीक। अब रेशम से हम बहुत ही मुलायम कपड़े बनाते हैं, और रेशम एक बहुत ही कॉस्टली कपड़ा होता है। जो रेशम बनता है बहुत ही कॉस्टली होता है, बहुत महंगा आता है, उससे हम लोग साड़ी कुर्ता ये सब बनाते हैं, ठीक है। और वूल मिलता है भेड़ों से, ऑक्स से हमको वूल मिलता है, और उनसे लेदर, उनके चमड़े भी मिलते हैं हमको, जिनसे हम लेदर बना के पर्स बेल्ट ये सब बनाते हैं, जैकेट ये सब बनाते हैं, ठीक है। तो बच्चों आप लोग ये चैप्टर को पढ़े, ठीक है, इसके आप लोग क्या क्या सीख गए, आप लोग आप लोग डोमेस्टिक एनिमल के बारे में जान गए और उनके यूजेस के बारे में जान गए।